हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फिर से आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का। आप लोग का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है और ये जो टॉपिक जो बन रही है, जो मैंने डिफिनेशन का पार्ट वन बनाया है, क्योंकि लंबा बहुत वीडियो बनता है और आप लोग पूरा देखते नहीं, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट बना रहा हूँ। नहीं तो एक ही में भी बना सकता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारा सिलेबस था, सिलेबस को देखते हैं। ये जो डिफिनेशन है वही क्लियर करा रहा हूँ, पार्ट वन में अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे होंगे, चैनल में नए होंगे तो जाके देख ले और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसे भी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए तुरंत का तुरंत, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा है नहीं, एग्जाम कभी भी हो सकती है। चलो, तो हमारा एस तक हो गया था पार्ट वन। आप नहीं देखे होंगे तो देखना पड़ेगा आपको, नहीं देखिएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, एस तक हो गया है, टी से शुरुआत करते हैं। बारूद यानी एक्सप्लोसिव्स का डिफिनेशन क्या दिया गया, रेगुलेशन छोटा कर लेते हैं, वह दिख नहीं रहा था। चलिए, तो ये बोल दिया सीधा बात, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में दिया हुआ है। ये कोई डिफिनेशन नहीं होता, लेकिन है तो क्या कर सकते हैं। तो एक चीज इसमें मैंने लिखा है कि एक्सप्लोसिव एक्ट कब बना, तो इसको लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। 26 फरवरी 1884, सब जानते हैं 1884, लेकिन डेट किसी को पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए 26 फरवरी। अब है नेक्स्ट है आयतन, फेस किसको बोलते हैं, फेस, फेस जहाँ पर हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक ना। और भी जगह फेस बोल सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है किसी काम की जगह को आगे बढ़ता हुआ भाग, यानी कि हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हुए आगे जा रहे हैं, मूवी का बढ़ता हुआ भाग, या किसी गैलरी, गैलरी को भी हम लोग फेस बोलते हैं। रास्ते या ड्रिप के अंदर वाला सिरा, यानी जहाँ ड्रिप बना हुआ उसके अंदर वाला सिरा। तो गाइस, यहाँ पर जो दिया हुआ डिफिनेशन में सभी को फेस बोलते हैं, 3-4 जगह है, याद रख लीजिए। सिर्फ हम लोग सोचते थे कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मतलब, बिल्कुल नहीं, डिफिनेशन बहुत टफ दिया हुआ इसका, तो ध्यान से याद रख लेना है किस फेस का मतलब। और भी जगह होता है, गैलरी, ड्रिप, सारे फेस है। चलिए, फायरिंग की बात की जाए, यानी कि जिसमें आग लगा हुआ है, अगर क्या लिखा, अग्निमय सिम आनिक एस आनिक फायरी सिम, ऐसी सिम जिसमें खान की सीमा के अंदर स्थित भूमिगत वर्किंग, यानी कि वर्किंग बिलोग्राउंड में या प्रकाश वर्किंग में आग या सौता दहन हो। ये बोला चाहता है वैसा सिम जिसमें स्पोटिनियस फिटिंग मौजूद हो या उस सिम में आग लगा हुआ हो, उसको हम लोग फायरी सिम बोलेंगे, ठीक है। अगर उसमें स्पॉन्टेनियस फिटिंग है तो फिर भी फायरी सिम, चाहे ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड, या फिर अगर उसमें आग लगा हुआ है तो फायरी सिम कहलाएंगे। अब चलते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या बोलता है। फाइनेंशियल ईयर का बोलता है लगातार 12 महीना का समय, और उस समय कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल का प्रथम दिन, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लगातार 12 महीना को हम लोग बोले हैं फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है फ्लेम प्रूफ ढांचे, फ्लेम प्रूफ इंक्लोजर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है। जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेफ्टी व इलेक्ट्रिक सप्लाई के उपाय रेगुलेशन 2010 मेजर रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2010 दिया गया है। ये बोलना चाहता है कि CER करके एक बुक है, उसमें आपका दिया गया है, ठीक है, दिया गया है तो उसको देख लेंगे, लेकिन डिफिनेशन यही है फिलहाल CER 2010। वाई नंबर क्या होता है, फॉर्म का अर्थ क्या है। वह फॉर्म जो इन रेगुलेशन के अधीन चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा आदेश या अनुदेश, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन से निर्दिष्ट किया जाए। ये बोलना चाहता है माइंस का फॉर्म का यही मतलब है कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा बनाया गया ऐसा, या उसके फॉर्मेट में बनाया गया ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो चीफ इंस्पेक्टर के आदेशों के निर्देश में बनाया गया, वो सारे के सारे फॉर्म कहलाते हैं। अब चलते गैस, गैस सभी पढ़े होंगे आप केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ माइनिंग है। तो माइनिंग में क्या बोल सकते हैं इसको, धुआं और भाप ही गैस है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ उठ सकती है गैस में, गैस क्या है या गैस कौन कौन से हैं, तो आप सब देगा धुआं भाप और लिख देगा कोई गैस का नाम, नाइट्रोजन,
उसके बाद बोध कर देगा कुमार भाव। तो अकॉर्डिंग टू इसके क्या हो जाएगा, धुमार भाव भी शामिल है। तो अगला चलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीय सीम। फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीय सीम का मतलब क्या है, कोई माइंस है जब उसमें CH4 निकलती है किसी माइंस से, उसका परसेंटेज डिग्री ऑफ गैसीनेस को डिवाइड करती है। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होगी वो देखते हैं, ठीक है। ये बोला है ऐसा कोयला सीमा है उसका भाग जो खान के सीमा के अंदर स्थित है परंतु ओपन कास्ट नहीं है, ये सिर्फ अंडरग्राउंड में डिग्रीनेस और गैसीनेस होता है, ठीक है। चाहे उसमें भूमिगत वर्किंग में किसी भी जगह हवा का सामान्य वातावरण या जलोसिन गैस यानी इनफ्लेमल गैस पाई जाती है अथवा गैस पाई जाती है साधारण हवा में गैस 0.1% से अधिक, यानी कि बोरा GVA में इसको शॉर्ट करके मैं बता देता हूँ। फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम इसको बोलेंगे, GVA में अगर 0.1% से अधिक गैस नहीं पाई जा रही गैस कौन सी होगी, मीथेन गैस होगी, ठीक है। तो डिग्री वन में जाना जाएगा और कोल प्रोडक्शन अगर हो रहा है वहाँ तो कोल प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए तब वो डिग्री वन में कहलाएगा, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर पर टन यानी 1 टन में 1 क्यूबिक मीटर तक चलेगा, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिग्री वन। डिग्री टू क्या बात की जाए, अगर डिग्री वन की बात की जाए तो डिग्री वन में सामान्य वातावरण यानी जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से अधिक गैस पाया जाता तो डिग्री टू बोलेंगे, और प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो देख लेते हैं प्रोडक्शन के हिसाब से। प्रोडक्शन के हिसाब से जो बोला गया है 1 क्यूबिक मीटर से अधिक परंतु 10 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं, तो 1 क्यूबिक मीटर से अधिक होना चाहिए और 10 क्यूबिक मीटर तक अगर रहा तो सेकेंड डिग्री गैसीय सीम में गैस में उसको कंसीडर किया जाता है। तीसरा क्या बोलता है, थर्ड डिग्री गैसीय सीम 0.1% से अधिक GVA में और कोल प्रोडक्शन के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर पर टन से अधिक, ठीक है, समझ गए तीनों का तीनों। अब नेक्स्ट चलते हैं हवा के समान यानी जनरल बॉडी ऑफ एयर जो हम बोल रहे थे उसका भी डिफिनेशन जान ही लेते दिया हुआ है। किसी सीम के वर्किंग में सामान्य वातावरण जिसमें चाल के गड्ढे भी शामिल है परंतु खान के सील किए वाले सील्ड ऑफ एरिया और बोर हो, ठीक है, सील्ड ऑफ एरिया जहाँ सील्ड कर दिए और बोर हो जिसको ब्लास्टिंग के लिए हम लोग बोर होल करते, वो होल का हवा और सील्ड ऑफ एरिया का हवा वो दोनों को छोड़कर बाकी के बाकी रेस्ट एरिया जो है GVA कहलाता है, समझ गए होंगे। दो ही चीज छोड़ना है बाकी GVA पूरा, चाहे गोप हो या कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गोप किसको बोलते हैं, भूमिगत माइन का वह भाग जिसमें से कोयले का पिलर या पिलर को भाग काट जा चुका है और यदि लॉन्गवाल अगर चला रहे हैं वहाँ पर प्रणाली से काम होता है तो वहाँ वह भाग जिसमें से कोयला निकाला जा चुका परंतु जो काम की जगह नहीं, ठीक है, लॉन्गवाल से चल रहा है तो वहाँ पर कोयला निकाल लिए तो वो गोप हो गया। लेकिन बोर्ड एंड पिलर में क्या होता है, पहले डेवलपमेंट होता है फिर डिप्लेयरिंग होता है। डेवलपमेंट में हम लोग गैलरी बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, डिप्लेयरिंग में निकलते हैं पिलर को काटते हुए, अगर पिलर काट गया तो गोप में और लॉन्गवाल अगर चल रहा है तो फिर तो एक ही बार में वो गोप हो जाता है। होल रोड, होल रोड ओपन कास्ट का टर्म है, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं आ रहा डिस्टर्बेंस है, चलिए कोई नहीं इसको क्लियर कर लेते। होल रोड की बात की जाए तो ओपन कास्ट का ये टर्म है जो माइंस की सीमा के अंदर मशीनों को आवगन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि माइंस में बहुत सारी मशीनरी चलेंगे ओपन कास्ट में तो उस सब को ले आने जाने के लिए हम लोग एक रोड बनाते हैं जिसको होल रोड बोलते हैं, ठीक है, यही डिफिनेशन है। अब हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, मशीनरी जो ओपन कास्ट माइंस में डिगिंग जो कोई मशीनरी है जिसको डिगिंग पर्पज से के लिए लिया गया है और किया जा रहा है, ड्रेजिंग किया जा रहा है, हाइड्रोलॉकिंग किया जा रहा है या रिपिंग या डोजिंग लोडिंग खनिज या ओवरबर्डन की ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है,
उस सबको हम लोग बोलेंगे HEMM। और कोई ड्रिलिंग मशीन कोई है तो 50 mm तक होल करने वाली ड्रिल मशीन को हम लोग HEMM नहीं बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन जो 50 mm तक ही कर सकती है, उससे ज़्यादा तो सिंपल सी बात HEMM। बाकी सारे के सारे HEMM है, सिर्फ एक ड्रिलिंग मशीन होती है जो 50 mm तक जो अगर कर रही है तो HEMM नहीं कहलाती। 50 mm से ज़्यादा अगर कर रही है तो HEMM कहलाएगी। ठीक है, इंक्लाइंड अब क्या है, सरफेस पर या भूमिगत भाग में ढालू रास्ता। अगर ढालू रास्ता अगर हम लोग बना रहे हैं सरफेस पर या अंडरग्राउंड के अंदर भी ढालू रास्ता होता तो उसको हम लोग इंक्लाइंड बोलते हैं। ठीक है, इंट्रिंजिकली सेफ, जो खुद में सुरक्षित है ना, जो खुद में सुरक्षित होता है ना इंट्रिंजिकली सेफ, तो उसका अर्थ क्या है, जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण बिजली सप्लायर और सुरक्षा से संबंधित उपाय रेगुलेशन 2010 में परिभाषित है। चलिए उसको भी हम लोग एक दिन देख लेंगे, दो टॉपिक हमको याद दिला दीजिएगा, CAR 2010 में देख लें। नेक्स्ट आता है इनसेट, किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग चाणक बोल रहे हैं, जिसको चाणक बोलते हैं। एक जो सांप होती है सरफेस से लेकर और बॉडी तक पहुंचने के लिए जो लोग सांप बनाते हैं उसी में इनसेट पाया जाता है। तो ऊपरी सिरे या तली के बीच उतरने का स्थान जो प्लेटफॉर्म है उससे कई खुदाई गई एक्सकवेशन, तो बीच में जो प्लेटफॉर्म जितने होते हैं सांप पीट टॉप और पीट बॉटम के बीच में सारे के सारे इनसेट कहलाते हैं। ठीक है, मशीनरी का अर्थ है खनन कार्य में काम आने वाला या काम में ले जाने वाला लगाया गया। यानी मशीनरी का बात की जाए तो कोयला अगर खोद रहे हैं उससे या किसी अन्य काम में लगाया गया माइंस में, वो सारे मशीनरी कहलाते हैं। जैसे कि लोकोमोटिव भी मशीनरी, इक्विपमेंट जो कटिंग ड्रिलिंग लोडिंग और माल ढुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है वो भी मशीन। एनर्जी विकसित करने, स्टोर करने, ट्रांसमिट करने और परिचित करने, यानी कि आपका गेट इन बॉक्स भी मशीनरी है। पावर डेवलपमेंट करने या स्टोर करने, ट्रांसमिट करने, यानी आपके स्टोर में भी कोई मशीन रखा हो तो वो भी मशीनरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब है, सब मशीनरी। अब नगला है मैनेजर। मैनेजर को डिफाइन किया गया रेगुलेशन 27 के अधीन नियुक्त मैनेजर, और मैंने एक लिख रखा है सेक्शन 17। तो रेगुलेशन में जो सेक्शन रेगुलेशन 27 में आपको मिल जाएगा मैनेजर की नियुक्ति। तो यही डिफिनेशन बोलता है कि जो है वह दिया, और माइंस एक्ट पढ़िएगा तो सेक्शन 17 में मिलेगा आपको। ठीक है, गाइस वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसको एक और पार्ट कर देते हैं, मैनेजर तक ही रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, और टेलीग्राम में जल्द से जल्द जुड़े। अगला जो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं अपलोड करूंगा, तब तक आप लोग रिवीजन करें।